बंद हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि राम जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि वो 22 जनवरी को नहीं आएंगे। तेज प्रताप यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर राम के नाम पर ढोंग करने का भी आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे निशाना बनाया जा रहा है। और अब तेज प्रताप यादव का ये नया बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी के बाद भगवान राम को कोई पूछेगा भी नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम तो मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को मैं अयोध्या नहीं आऊंगा। मंदिर आता है, राम जी आगे हो जाते हैं, और फिर चुनौवा खत्म हो जाता है, राम जी को पूछ बंद हो जाता है। फिर राम जी कहीं भी जाएं, कोई जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिया। चार शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे।